आज जो लोग कहते हैं कि पहले नमाजी तो बनाओ, पहले फला चीज करो, बहुत से नेक अमाल के बारे में लोग कहते हैं पहले वो करो, पहले वो करो, पहले वो करो, ये क्या है? पहले वजह है, हम लोग हज करते हैं, उमरा करते हैं, सही के अंदर पहले कहां आते हैं? सफा, फिर मरवा। क्यों? ये आपको पता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उमरा किया, जब हज किया, तो उन्होंने सिखाया, मुस्नद अहमद में सही सनद से हदीस है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब दऊ बिमा बदा अल्लाह बिह, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से अल्लाह ने शुरू किया। अल्लाह ने शुरू किया क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हाँ, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो अल्लाह ताला ने पहले सफा कहा ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से अल्लाह ने शुरू किया। अल्लाह ने सफा पहले जिक्र किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सफा पे गए। क्यों पहले सफा पे गए? पहले मरवा भी जा सकते थे, लेकिन पहले सफा पर क्यों गए? क्योंकि अल्लाह ने पहले खुद सफा का जिक्र किया। अब ये टॉपिक कहां से आ गया बीच में? मेरे भाइयों, ऐसी एक मिसाल है, कुरान जब हम पढ़ते हैं तो बार बार आप देखेंगे इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, आमनू वामिलुस सालिहात, आमनू वामिलुस सालिहात, आमनू यानी ईमान और फिर अमलुस सालेह का जिक्र है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले क्या जिक्र किया? ईमान, फिर अमलुस सालेह का जिक्र किया। तो हमें पहले कहां जाना है? ईमान सबसे पहली तरजीह, प्रायोरिटी, हाँ सबसे अहम मौजू ईमान है, अकीदा है, तौहीद है, बुनियादी है, फिर उसके बाद अमलुस सालेह आता है। मान लो कोई शख्स बहुत अच्छा नमाजी बन गया, साथ में शिर्क भी कर रहा है, तो क्या मिलेगा उस शख्स को? लयाह बतन नमलुक, सब निकियां बर्बाद हो जाएगी। तो समझदारी है कि पहले नीचे का होल बंद करो, वो ड्रम में पानी भरने से पहले पहले अकीदा दुरुस्त करो, तो सब निकियां जमा हो जाएगी। हाँ, छोटी से छोटी निकी करेंगे, सब जमा होकर मिलेगी, लेकिन अकीदा बिगड़ा हुआ है, सब जाया हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी है, ये तीन पॉइंट्स आपके सामने आए ताकि ये अहमियत समझ जाए लोग। मेरे भाइयों, मालूम है आपको मुसलमानों में बहुत मसाइल में इख्तलाफ है, इसमें भी इख्तलाफ है कि सुधारना है, कोई इस्लाह का काम करना है, कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, इसमें भी इख्तलाफ। तो अहम बात क्या है? सबसे अहम बात तौहीद है।